हेलो दोस्तों, पटियालसक चैनल की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोकिया के अपकमिंग 43 इंच वाले स्मार्ट टीवी के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नोकिया के इसी 43 इंच वाले स्मार्ट टीवी के कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे इसकी ऑफिशियल इंडियन लॉन्च डेट के बारे में। इस वीडियो में आगे बन रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ज्यादा बोर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज के इस वीडियो का लाइक रखते हैं 10 लाइक्स का, और आई होप आप पूरा करवा दोगे। बात कर लें नोकिया के 43 इंच वाले स्मार्ट टीवी वेरिएंट की। गाइस, यहां पर आपको इस वेरिएंट में जो डिजाइन देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा नोकिया के 55 इंच वाले स्मार्ट टीवी वेरिएंट की तरह। बात करें इस टीवी के स्पेसिफिकेशंस की, इस टीवी में यूज किया जाएगा एक सैमसंग का क्यूलेट पैनल, जिसका जो पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगी आपको 400 nits की। बात करें अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की, इस टीवी में आपको 3840x2160 का 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, और इस टीवी में आपको 178 डिग्रीज के व्यूइंग एंगल के साथ देखने को मिलेंगे। बात करें अगर इस टीवी के सीपीयू की, इसमें यूज किया जाएगा एक क्वाड कोर प्रोसेसर और कॉर्टेक्स का A53 वाला सीपीयू, वहीं इसमें आपको माली का 450 MP3 जीपीयू भी देखने को मिल जाने वाला है। बात करें अगर रैम और स्टोरेज की, इस टीवी में आपको 2.25 GB की रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की जाएगी। ये सेम स्टोरेज और रैम है जो कि आपको नोकिया के 55 इंच वाले स्मार्ट टीवी वेरिएंट में भी प्रोवाइड की गई थी। अगर बात करें इस टीवी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस टीवी में आपको गूगल प्ले स्टोर, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और यूट्यूब जैसे प्रीमियम ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल देखने को मिलने वाले हैं। साथ में जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले HDR10 सपोर्ट के साथ MEMC वाइड कलर गैमेट और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो है ये पैनल देखने को मिल जाएगा। बात करें इस टीवी के फीचर्स की, इसमें आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन देखने को मिलने वाला है, ब्लूटूथ वर्जन 5 देखने को मिलेगा और वाईफाई भी ये टीवी सपोर्ट करने वाला है। साथ में इस टीवी की साउंड की बात करें, इस टीवी में आपको 24 वॉट का साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा और 12 वॉट का एक स्पीकर आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएगा। और वहीं आपको इस टीवी में जो है साउंड के मामले में JBL पावर्ड साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी, और जैसे कि आपको 55 इंच वाले स्मार्ट टीवी में भी देखने को मिली थी। बात करें अगर इस टीवी के ऑडियो की, इसकी जो ऑडियो है वो आने वाली है सपोर्ट के साथ डॉल्बी ऑडियो और DTS HD 2 सराउंड के साथ, जिसकी वजह से जो साउंड एक्सपीरियंस होने वाला है इस टीवी का वो आपको बहुत ही टॉप नॉच देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस होगा वो आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है इस स्मार्ट टीवी के साथ। बात करें अगर इस टीवी के पोर्ट्स की, यहाँ पर आपको इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स प्रोवाइड की जाएंगे, एक USB 3.0 पोर्ट, एक USB 2.0 पोर्ट और एक आपको AV इनपुट देखने को मिल जाने वाला है। साथ में एक आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं हेडफोन्स अपने टीवी के साथ, उसके लिए भी आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाने वाला है। बात करें अगर इस टीवी के प्राइस और अवेलेबिलिटी की, ये टीवी जो है 4 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है और उसके एक हफ्ते बाद आपको इसकी फर्स्ट सेल देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इसके प्राइस की, इसका प्राइस बताया जा रहा है कि 30,000 से 33,000 रुपए के बीच में हो सकता है। और मैं आपको एक एक्सक्लूसिव और इंटरनल खबर बता रहा हूँ कि इसका जो प्राइस होने वाला है स्मार्ट टीवी का वो आपको देखने को मिलने वाला है 31,999 रुपीज़, जिसको अगर हम बोलें तो आप 32,000 रुपये भी बोल सकते हैं, कि मतलब आपको 32,000 रुपये में नोकिया का 43 इंच वाला स्मार्ट टीवी वेरिएंट देखने को मिल जाने वाला है। मैं अब आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपको इस टीवी की प्राइस कैसी लगी और क्या आप इस टीवी पर, इस प्राइस पर इस टीवी को खरीदना चाहेंगे या नहीं, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको।